गति थी और सारा कुछ करती थी। तो बस मेरा बोर्ड का पेपर में आधा घंटा रह गया, पहले मैंने किताब उठाई, फिर मैंने मुश्किल से ऑर्डर है, वो पिज्जा लेके चले गए। अब वो ये ना ये भी कहेंगे, ये भी आपका नहीं है, अब तो खा लो, बेशक कहेंगे ना नहीं है तो हम कहेंगे हम खा लेते हैं। अच्छा ना आप तो क्लिप लें, अब चुप करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। आज हमारे हो गए हैं 400K सब्सक्राइबर्स। काफी टाइम लगा है वैसे, है ना? हाँ नहीं, इतना हमें टाइम नहीं लगा एज कम्पेयर टू अदर यूट्यूबर्स। मतलब लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। मैं ये ब्रैग नहीं कर रही थी, लेकिन मैं अपने वो फॉलोअर्स का जाना थैंक यू करना चाहूंगा कि हमें सिर्फ 2 ईयर्स अभी तक हुए हैं और हमारे माशाल्लाह 400K फॉलोअर्स हो गए हैं। इंस्टाग्राम पर इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, टिकटॉक पर भी 100K होने वाला है। तो इतना ज्यादा प्यार, इतनी ज्यादा सपोर्ट, थैंक यू सो मच उसके लिए। इंशाल्लाह आप सबका बहुत शुक्रिया जिन सबने हमें सपोर्ट किया, मेरी फैमिली का, मेरी बेटियों का, मेरे पेरेंट्स का, सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। और आज हम आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करेंगे कि हम कैसे कैसे व्लॉग जो है ना वो बनाया करते थे। और माशाल्लाह मैंने अभी वीडियो एक बनाई थी, मेरे बाल इतने खराब हुए हैं। अच्छा, आज हम आप लोगों के साथ कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हमने यूट्यूब मतलब करना आसान है या मुश्किल काम है, कुछ इस तरह भी शेयर करेंगे। केक वगैरह हम नहीं कट कर रहे क्योंकि केक कोई इतना खाता नहीं है, इतना किसी को पसंद भी नहीं है। तो देखते हैं, शायद कोई प्लान बने तो बाहर चले जाएं। क्या क्या करेंगे आप लोगों के साथ ब्लॉग में जरूर शेयर करेंगे। चैनल जब हमने स्टार्ट किया था तो हम स्टार्टिंग में रेमेडीज वगैरह जो है वो अपलोड करते थे। 6 मंथ्स हमने रेगुलर रेमेडीज अपलोड की थी। इवन मेरी बर्थडे मामा ने मुझे सरप्राइज दिया था, उस दिन भी हमने रेमेडी ही अपलोड की थी। और मतलब हम बहुत ज्यादा रेमेडीज से हमने चैनल स्टार्ट किया था। 15 दिन तो हम वीडियो अपलोड ही नहीं करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने ब्लॉगिंग की तरफ आए, हमने ब्लॉगिंग शुरू की। फिर रुशा चैलेंजेस करती थी मामा के साथ, हम चैलेंजेस करते थे। उस वक्त हमारा एक भी सब्सक्राइबर आ जाता था तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होती थी कि एक सब्सक्राइबर आके। चैलेंजेस हमने बहुत ज्यादा किए, मैंने बाहर जाना होता था या हमने कहीं भी जाना होता था, हम व्लॉग बनाते थे लेकिन बहुत शर्माते थे। इससे पहले हमारे कुकिंग का चैनल था 9-10 में जब मैं थी, तो मेरे बोर्ड के पेपर होते थे। इवन मतलब जैसे 1:00 1:30 मेरा बोर्ड का पेपर स्टार्ट होना होता था। सुबह उठ के मैं पढ़ाई करती थी, रिवाइज करती थी, फिर मैं वीडियो एडिट करती थी क्योंकि मामा को और काम होते थे, कुकिंग करनी है, घर के काम करने हैं, हम जरूर रुशा को देखना है। तो मामा ने बेसिकली मामा ने कभी एडिटिंग नहीं सीखी, तो फिर मैं ही सारी एडिटिंग करती थी और सारा कुछ करती थी। तो बस मेरा बोर्ड का पेपर में आधा घंटा रह गया, पहले मैंने किताब उठाई, फिर मैंने वीडियो एडिट किया, फिर मैंने जाना स्कूल जाना। मेरा दिमाग आधा खराब हुआ, वो तो था कि मैं क्या करूँ, मैं वीडियो कैसे एडिट करूँ। इवन मेरे जब कॉलेज के भी डेज थे ना, मैं फर्स्ट ईयर में भी थी, तो मैं रात को मतलब हमारा नेट ऐसा स्लो था कि मैं रात को वीडियो अपलोड करनी थी, वीडियो अपलोड करने में 10-12 घंटे लगते थे। तो मैं रात को पढ़ाई करके 12-1 बजे वीडियो एडिट शुरू करती थी और मैं रोज 3 बजे सोती थी। और जिस दिन हमने वीडियो नहीं ना अपलोड करनी होती थी अगले दिन, उस दिन अगर मैं मतलब 12 बजे तक मैं सो जाती थी तो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि शुक्र है मैं जल्दी सो गई। ऐसे ही है बिल्कुल, मतलब इतनी आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। बिल्कुल जाहिर है, कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होती, कोई भी जॉब हार्ड नहीं होती, लेकिन बस यही बात है कि यूट्यूब जाना मैंने बहुत दिल से किया है। मेरा अंदर बहुत दिल है इसमें। मतलब मैं कहती हूँ कि मैंने पूरी लाइफ यूट्यूब पर ब्लॉग्स आना, चाहे मैं रेगुलर आ गया ना हो 5-6 साल तक, आपको कुछ नहीं पता आपकी लाइफ किधर है, आप जिंदा भी हो या नहीं हो, कहाँ पे आप किस स्टेज पर होगे अपने लाइफ के। लेकिन हम जैसे शागिर्द लोग हैं ना और जैद लोग हैं, जो जो उनकी लाइफ के मेन मोमेंट्स होते हैं, जैसे उनका बेबी हो गया था सैद का, उनकी शादियां हुई, फिर उनका सारा मतलब ऐसे हमारी भी लाइफ के जो जो स्पेशल मोमेंट्स आएंगे, हम जहाँ भी जाएं, आउट ऑफ कंट्री जाएं, जिधर भी जाएं, जो भी करें, हम फिर भी ना 5-6 साल तक हम जब भी हम अपने व्लॉग्स अपलोड करते रहेंगे, चाहे मेरी जॉब लग जाए, मेरी पढ़ाई करके, उसे की पढ़ाई करके जॉब लग जाए। लेकिन ये एक जो पार्ट है ना, क्योंकि आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाता है यूट्यूब, फिर आप लोग हमारे फैंस हैं, फिर आप लोग हमें बड़े होते हुए देखे, मतलब हमें 2-4 साल हो गए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो आप हमारे साथ हमें देख रहे हैं कि हम लोग मतलब सारा हमारी कामयाबियां, घर गाड़ी हर चीज आप लोग देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी जाए, फिर हम आपके साथ ही सारा कुछ शेयर करें। 7th में थी जब हम यूट्यूब पे आए थे, वो तक अब जब बड़े हुए ना तब रियलाइज हुआ कि नहीं, अब तो यूट्यूब बस करनी है, मतलब अब बहुत अब एक हॉबी सी बन गया, एक ऐसे दिल भी कर गया यूट्यूब में। मम्मा को ये कहते हैं कि जब हम बड़े हो जाएंगे, हमने अपनी हर जर्नी यूट्यूब का हमने कभी नहीं छोड़ना है, हम इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे। मेरा अगर आप एक्सपीरियंस अगर मैं अपना शेयर करूं तो यही है कि जाहिर है बहुत स्ट्रगल की है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा माशाल्लाह लकी हूँ कि मेरी बेटियों ने, मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। काफ़ी लोग मेरे अब्बू को जाके कहते थे कि राशिदा ब्लॉगिंग कर रही है, ये इंटरनेट पे आती है, लोग देखते हैं, इसकी बेटियों को देखते हैं, ये है वो है। तो उस मामले में बहुत लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि मैं मतलब लाइक ये देखा करती थी कि जब मेरे अबू ने मेरा चैनल देखा तो उन्होंने कहा कि हाँ नहीं अच्छा काम कर रही है, क्या कर रही है, चलो अपना कमा तो रही है। लेकिन जब आप प्रूव करते हो ना अपने आप को, तो आपकी फैमिली, आपका हस्बैंड आपको जरूर सपोर्ट करता है। जो लोग मुझे कहते रहते हैं, अमूमन मुझे डेली कितने कमेंट्स आते हैं, मेल्स आती हैं कि आप ये चैनल को कैसे ग्रो करें, आप बस व्लॉग्स अपलोड करें, अच्छा कंटेंट लेके आए, उसमें आपकी लिमिट्स हो, कोई लूज टॉक ना हो, कोई कुछ ना हो, और साथ में सबसे बढ़ के बस मेहनत करते रहें। आपने डेली व्लॉग अपलोड करना है और आप मतलब लाइक एक टाइम आता है आप हो जाते हो, आप अपने आप को मनवा लेते हो।
शाउट आउट से जो लोग मुझे आके कहते हैं कि आप ही शाउट आउट दे दें, शाउट आउट दे दें, शाउट आउट से मैं पैसे ले लूंगी, लेकिन मैं जब भी कोई मुझे आके अप्रोच करता है मैं उसको आगे से यही कहती हूँ कि इसका फायदा नहीं होगा, लोग आपका कंटेंट देख के खुद ही आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद मैं अगर अपना एक्सपीरियंस एक और शेयर करूं कि जब हम शादी या कोई भी फंक्शन की हम व्लॉगिंग करते हैं ना, उसमें हमें बहुत ज्यादा शर्म आती है, इतने ज्यादा लोग होते हैं, तो जब क्लिप लेना तो मैं कहती हूँ उरुषा तुम जाओ, लाइक तुम एक क्लिप लो, तुम एक क्लिप लो, तो वो हमें थोड़ा सा होता है वहां पे ना। और हमारे ब्लॉग में वही लोग आते हैं जो खुद कहते हैं कि हाँ जी हम आपके ब्लॉग में आना चाहते हैं, मैंने कभी खुद से कभी किसी को नहीं मतलब ट्राई नहीं किया, कभी किसी की मैंने छुप के इस तरह वीडियो वगैरह वो अपलोड नहीं की, तो वो थोड़ा सा टफ होता है कि शादी वाले जो ब्लॉग्स होते हैं या कोई फंक्शन वाले, मतलब अपनी फैमिली में हो तो हमारी सारी फैमिली ज़्यादा यूट्यूब पे है, अगर कोई आउट ऑफ फैमिली में हो फ्रेंड्स की तरफ हो तो मुझे थोड़ा सा लगता है, उसमें ये होता है कि सेम डे फिर आना, सेम डे आके ब्लॉग एडिट करना, जिस तरह हम इस्लामाबाद गए थे हमने सेम डे ट्रैवल किया, गए और वापस आए, हमें फजर हो जाती थी, फिर थोड़ा सा सोना और फिर सेम डे ही ब्लॉग जो है वो ब्लाइका ने एडिट करना होता था, तो वो बारह सारों ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है और आप सबने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, आप सबका बहुत शुक्रिया। फिर वही ब्लाइका वाली बात है कि मैं वैसे ब्लाइका को ये कहते हैं कि समटाइम हम अपनी कोई मेमोरी मिस कर रही हूँ कि वो फलां फंक्शन में क्या हुआ था, कैसे हमने अटेंड किया ये वो, तो हम अपनी यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख लेते हैं, तो उससे ये होता है कि हमारी सारी मेमोरीज ना सेफ है, मतलब जब बच्चे बड़े हो जाएंगे मजीद इनकी शादियां हो जाएंगी फिर ये वीडियोस देखा करेंगे, फिर ये वीडियोस देखा करें। अब देखें बाकी आगे की तो कोई प्लानिंग नहीं होती कि आगे चल के क्या होगा, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैं बहुत लकी हूँ, मुझे सबने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और साथ में अल्लाह का शुक्र है मैं अपने काम से बहुत ज्यादा खुश हूँ। बाकी आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को हमारा जो काम है वो कैसा लगता है। अच्छा, आपको पता है कि हमारे 400K सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। मुबारक हो जी, थैंक यू सो मच, अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू। हमजा हैप्पी है ना? हमजा तो अपने फ्रेंड्स को बताता रहता है और इसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मानो हमारे 400K सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। नहीं, नहीं, मुझे भी काफी लोग मिलते हैं माशाल्लाह, वो कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काफी पहचान हो गई है माशाल्लाह। अच्छा, थैंक यू। चले फिर कहीं बाहर चलते हैं ना हम सब। हम लोग निकल आए हैं बाहर, हमने कहा चलते हैं कहीं ना कहीं बाहर जाके कोई ना कोई चीज खाते हैं, और बच्चों ने कहा कि किधर जाना है हमजा? मिस्टर विंग्स। हम जाएंगे, हम कोई ना कोई पिज्जा शीजा खा लेंगे। मेरा ब्रोस्ट खाने का दिल कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैंने से कहा कि तुम खा लो ब्रोस्ट। मामा आप बन जाओगे मैंने तो कहा था कि आप खा लो ब्रोस्ट ना, तो अभी हम जाते हैं जाके पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं। रुशा ने भी कुछ ईद के अपना ड्रेस वगैरह देखना है, वो कोई ड्रेस वगैरह देखते हैं, तो अभी मैंने कहा चलो एक दफ़ा ही निकले हैं, काफ़ी सारे काम कर लेते हैं। थकी हवा हारी आवाम जो है ना, ये आके यहाँ पे सो गई। तुमने रिस्ट वॉच, ये तुम्हारी खेलने वाली है, ये तुम रिस्ट वॉच पहनने वाली नहीं है, ऐसा लग रहा है बाजू पर जख्म हुआ है, ये क्यों पहन के आए हो? शॉपिंग के लिए हम आए और इसको देखे काम आके यहाँ पर आके सो गए। कोई आई है चीज़ पसंद? देख लो। आगे हम मिस्टर विंग्स पे, इतना ज़्यादा यहाँ पे रश है, इतना ज़्यादा कि पूरा हॉल जो है इनके वो भरे हुए हैं, क्योंकि आज बच्चों को छुट्टियाँ हुई हैं और मेरों को तो मेरी मेरी को तो नींद भी आ गई। ऑर्डर सेटर हमने दे दिया सब कुछ पसंद का, आज हमने सोचा कि आज हम मिस्टर विंग्स पे जाते हैं। बच्चे कहते हैं काफ़ी ज़्यादा दिन जो है ना वो हमजा, आपको तो भूख लगी हुई है ना बहुत ज़्यादा, है ना? बहुत ज़्यादा भूख लग गया आज। ऑरेंज, येलो, ब्राउन, बाबा ने वाइट, मैंने ब्लैक, सबके मैंने कलर्स देख रहे हैं कि सबने हर कलर के अपने आज सूट पहना हुआ है, सबने ना कलर्स जैसे डिवाइड कर लिए, भूख सिस्टम हो गया पूरा। हालांकि वैसे दिन को ना खाना भी हमने जल्दी खाया था ना, ना वो भी खा कर देते हैं, एक वेटर ना यहाँ तक ही खाना लेकर आ गया था फिर लेके गया था, मतलब ये एक रीजन की वजह से करते हैं, आपके टेबल तक खाना लाते हैं रखते हैं फिर उठा के ले जाते हैं। उसमें ये होता है ना कि आपके इमोशंस के साथ समझ में आपके खेला जाता है ना हमजा। हमजा आपके लिए प्लेट ही नहीं है, आप व्लॉग बना रहे हो आपके लिए प्लेट ही नहीं है, ये मैं हूँ, मैं व्लॉग बना रहा हूँ और मामा ये मजे मार रही है। इतनी मुश्किल से ऑर्डर है, वो पिज्जा लेके चले गए, अब वो ये ना ये भी कहेंगे ये भी आपका नहीं है, अब तो खा लो बेशक, कहेंगे ना नहीं है तो हम कहेंगे हम खा लेते हैं। चलो हमजा, मैं तो ये मैंने ये रोस्टेड चिकन मंगवाया अपने लिए। हमजा इतने परेशान हो गया मेरा बेटा, ये मेरी सॉस की तरह माशाल्लाह दे मुझे वापस, थैंक यू। हमजा इतना क्यों परेशान हो गया, आप फ्राइज ले लो मेरे बेटे, फ्राइज ले लो। पहले वो सिर्फ टेबल तक लेके तो ले जाते थे वापस, आज तो टेबल से उठा के ले, आज तो उठा के भी ले गए, आज तो उन्होंने इतना हमें तंग किया जितना तंग कर सके। खैर आज हमने बाकी मैंने अपना सारा कुछ खा पे लिया, हड्डियाँ छड़ियाँ इन्होंने खा ली, हड्डियाँ नहीं पिज्जा। ये जी 400K सब्सक्राइबर की खुशी में, वैसे इतने तो थोड़े सब्सक्राइबर नहीं थे जितने हमने छोटा सेलिब्रेट किया। ओके, अच्छा
मीठा था कि साथ ही मक्खियाँ भी आ गई। पिज्जा खा के तो बच्चों ने ब्रेड मंगवाई है, ब्राउन ब्रेड। आई एम लाइक ये सुबह से डाइटिंग शुरू करनी है, पता नहीं वो सुबह हमारी जिंदगी में कब आनी है। चक्कर मार गए पूरे, और अभी हम मारेंगे टाउन के चक्कर भी, और साथ में वॉक करेंगे, और साथ में जी ये ब्राउन ब्रेड आ गई है। कहती पापा ने पूछा कौन सी ब्रेड लेनी, कहती पापा ब्राउन ब्रेड लीजिएगा क्योंकि हम दूसरी नहीं खाते, वजन बढ़ जाता है। जी जी बिल्कुल, वजन भी बढ़ जाता है ना, इनसे नहीं बढ़ता, ये जो भी खाया है इन चीजों से नहीं बढ़ता, बस इनसे बढ़ता है। अभी हमने एक रील बनाई है, उसके बिहाइंड द सीन देखे, वो पोर्ट्रेट मूड में होगी क्योंकि हमने इंस्टाग्राम के लिए बनाई है, ठीक है। वैसे वो मैं शॉर्ट्स में अपलोड करूंगी इंशाल्लाह एडिट करके। इतना हम लोग एंजॉय करते हैं जब हम फनी कंटेंट बनाते हैं। इसे मम्मा के पास नहीं ना जाने, इसलिए रुशा के ऊपर ऐसे इतना अवॉइड करती है ना, मान्य तू मम्मा को अवॉइड करती है क्योंकि उसके एक दो बार मम्मा से लड़ाई हो चुकी है ना इसलिए। चलो सबको बाय बाय बोल दो, थैंक यू जी मान्यो की तरफ से, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अब आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत सुनेला थोड़ी, चले आप उठाए ना, आप हनी मेरा बेटा, व्हाइट पीपल है मेरा बेटा, कहां से आ गया बेटा, क्या अंग्रेज माय बेटा बोलते हैं, बड़ निकल पड़ पड़ लग गई। चले हमजा अपनी गड्डी बंद कर दे दो मिनट, अच्छा ना आप तो क्लिप लें, अब चुप करो। मैंने आज तक उसे इतने प्यार से कभी नहीं उठाया। फॉर ब्रेकफास्ट ये बोलना तुम्हें। गुड मॉर्निंग मामा, लाइक आई मिस यू मॉर्निंग। हमजा खुदा का वास्ता दो मिनट गाड़ी की जान छोड़ दो, चुप करो हमजा। गुड मॉर्निंग मामा, व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट। हम अपना दूसरों की अम्मी और मेरी अम्मी बना लेते हैं, या व्हाइट पीपल एंड ब्राउन पीपल तो नहीं हम बना सकते। वो वहां पे क्या करे। गुड मॉर्निंग मामा, बेटा पापा से बैठा सनशाइन, माय सनशाइन, आप कौन से घर का काम उठा रहे, उठ जाओ सफाई कर उठ के सारे घर दी।